नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा पे एनटीसी ग्रुप में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूपीएल के दोस्तों मैच नंबर 3 के बारे में, जो दोस्तों आपका खेला जाएगा मुंबई वुमेन और दोस्तों गुजरात वुमेन के बीच में। गुजरात वुमेन का दोस्तों ये फर्स्ट मैच रहने वाला है, वहीं पे दोस्तों मुंबई इंडियन का दोस्तों ये सेकेंड मैच रहने वाला है। हरमनप्रीत कौर की टीम दोस्तों ऑलरेडी अपना फर्स्ट मैच विन करके आ रही है। बात करें दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगा, दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं प्रेडिक्शन में दोस्तों पिच के बारे में। तो पिच का दोस्तों बात करें तो देखो अभी तक डब्ल्यूपीएल 2024 में टोटल कितने मैचेज हुए हैं, टोटल 2 मैच हुए हैं, ठीक ना। और ये जो दोनों मैच हुए हैं दोस्तों सेम पिच पे हुए हैं दोस्तों, चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और जो मैच नंबर 3 रहने वाला है दोस्तों ये भी दोस्तों सेम पिच पे होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो क्लियरिटी है ना दोस्तों, आपको ये जानना कि मैच 3 का क्या पिच रहेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा जो मैच 1 हुए और मैच 2 हुए उसमें दोस्तों क्या एवरेज स्कोर रहा है और पेसर और स्पिनर को कितने विकेट मिले हैं, जिससे दोस्तों आपको मैच 3 में क्या हो सकता है, पेसर को आपको ज्यादा रखना है या स्पिनर को ज्यादा रखना है, वहीं पे दोस्तों मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले उसी को समझ लेते हैं। और एक और चीज दोस्तों, जितने भी मेरे न्यू मेंबर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम शर्मा फैंटेसी ग्रुप के वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी दोस्तों जो मैं टीम आपके साथ शेयर करूंगा, यदि कोई प्लेयर उस टीम से नहीं खेलता है तो फाइनल टीम दोस्तों मैं फिर से आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां पे मिलेगा, तो इसी वीडियो के दोस्तों डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी उपलब्ध है। और इसी वीडियो का दोस्तों आप कमेंट सेक्शन को ओपन कीजिएगा तो वहां पर भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का घंटी बजा सकते हैं, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों लास्ट मैचेस का स्कोर कार्ड। तो दोस्तों जो फर्स्ट मैच हुए थे इस पिच पे वो हुए थे दोस्तों दिल्ली वुमेन और दोस्तों मुंबई वुमेन के बीच में। इसमें दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की टीम दोस्तों बैटिंग फर्स्ट की, और दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस टीम ने 171 रन स्कोर किए, टोटल इस टीम का 5 विकेट गिरा, ठीक ना। बैटिंग सेकेंड करने आई दोस्तों मुंबई की टीम और टारगेट को चेज कर जाती है लास्ट बॉल पे, 173 रन स्कोर करती है और टोटल मुंबई का 6 विकेट गिरता है। अब इसमें दोस्तों हुआ क्या, मैच 1 में पेसर को टोटल 7 विकेट मिले, ठीक ना, और स्पिनर को दोस्तों आप देखोगे 4 विकेट मिले। तो फर्स्ट मैच में पेसर को ज्यादा विकेट मिले हैं और उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं दोस्तों। उसका रीजन है दोस्तों फर्स्ट मैच में जो विकेट था ना फ्रेश विकेट था, जिससे दोस्तों पेसर को स्टार्टिंग में स्विंग मिल रहा था। बट सेकेंड मैच में दोस्तों जो कहानी है ना पूरा उल्टा पड़ गया। सेकेंड मैच में दोस्तों आरसीबी की टीम बैटिंग फर्स्ट की और टोटल दोस्तों 157 रन स्कोर की और आरसीबी का दोस्तों टोटल 6 विकेट गिरा, ठीक ना। सेकेंड बैटिंग करने दोस्तों आती है यूपी की टीम, यूपी की टीम दोस्तों 155 पे ध्यान रखिएगा स्कोर कर पाती है और टोटल इस टीम का 7 विकेट गिरता है। अब इस मैच में दोस्तों टोटल 13 विकेट गिरे, ठीक ना, और इस 13 विकेट में दोस्तों सिर्फ पेसर को ध्यान रखिएगा 1 विकेट मिले और जो दोस्तों 12 विकेट थे ना वो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों स्पिनर लेके गए। तो यही चीज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना था यार कि सेकेंड मैच में ना पूरा अपोजिट हो गया, स्पिनर दोस्तों सेकेंड मैच में इंपॉर्टेंट हो गए। उसका रीजन क्या था दोस्तों, जो ट्रैक था ना अब फ्रेश नहीं दोस्तों, थोड़ा सा स्लो हो गया था। और इस मैच में भी ये चीज का ध्यान रखना है कि पेसर को नहीं ज्यादा स्पिनर पे फोकस करना है, दोनों टीमों के दोस्तों स्पिनर को इग्नोर नहीं कीजिएगा, कैप्टन बीसी भी कर सकते हैं, ओके ना। एवरेज स्कोर दोस्तों इस मैच में क्या हो सकता है, तो जो लास्ट 2 मैच हुए उसको दोस्तों ध्यान में रखते हुए मैं एक ही एवरेज स्कोर बताऊंगा। देखिए क्या, यदि मुंबई की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो एवरेज स्कोर 150 और 170 के बीच में रहेगा, ठीक ना। यदि दोस्तों गुजरात की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो आपका एवरेज स्कोर ना 140 और 160 के बीच में रहेगा, ठीक ना, क्योंकि गुजरात का जो बैटिंग है ना थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू मुंबई। और इस मैच में जैसा मैंने बोला स्पिनर पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। पिच रिपोर्ट क्लियर ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी देख लेते हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में दोस्तों आप देखोगे दोनों टीमों के बीच में टोटल 2 मैच हुए हैं जो लास्ट ईयर हुए थे दोस्तों, और उस 2 मैच में दोस्तों मुंबई की टीम दोनों मैच दोस्तों विन की थी। किनके अगेंस्ट, तो दोस्तों गुजरात के अगेंस्ट। तो इस साल भी दोस्तों सच बताऊं तो मुंबई की टीम ही ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, तो आप मुंबई टीम को फेवर कर सकते हैं। और इनकी टीम को फेवर करते टाइम एक और चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाइएगा ना तो कोशिश कीजिएगा 7-4 का बनाए या दोस्तों 8-3 का तो ना बनाए,
7-4 और 6-5 इस मैच में आपके लिए बेस्ट रहेगा कॉम्बिनेशन का रेशियो, ओके ना, इस चीज का भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और आगे देख लेते हैं दोस्तों WPL में ना आप सभी के लिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स बाजी पे 11 लाख रुपए का दोस्तों लीडर बोर्ड चल रहा है और इस लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना है, जो आप खेलिएगा दोस्तों जैसा आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा उसके आधार पे दोस्तों आपका रैंकिंग चलेगा। और स्पोर्ट्स बाजी दोस्तों वही ट्रस्टेड ऐप है जिसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर आपको राशिद खान मिलेंगे। और ये जो ऐप है दोस्तों ध्यान रखिएगा नो GST ऐप है, जितना चाहो दोस्तों आप डिपॉजिट कर सकते हो, उस पर कोई टैक्स आपको पे नहीं करना होगा, ठीक ना। और आज का ही दोस्तों मैच ले ले तो दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी पे आज का जो मैच है इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपको 19 रुपए का ग्रैंड लीग मिलेगा, अदर ऐप दोस्तों आपसे 49 रुपीज लेता है एक ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट के लिए, स्पोर्ट्स बाजी सिर्फ 19 रुपया लेगा। और यहाँ पे भी दोस्तों प्राइजेज जो है वो ध्यान रखिएगा कंपटीशन काफी कम है और प्राइस भी दोस्तों सॉलिड है, तो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे उसी तरह से दोस्तों आपका लीडर बोर्ड का रैंकिंग ऊपर और नीचे होगा। अब बात कर ले दोस्तों आगे तो स्पोर्ट्स बाजी अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं दोस्तों WPL का 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड। WPL में दोस्तों स्पोर्ट्स बाजी आप सभी के लिए ना 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड प्रोवाइड किया है और इस लीडर बोर्ड में दोस्तों आप सभी दोस्त पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई आपको एक्स्ट्रा फी नहीं पे करना है। और स्पोर्ट्स बाजी दोस्तों वही ऐप है जिसके दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर आपको राशिद खान मिलेंगे। और ये दोस्तों जो ऐप है ना ध्यान रखिएगा नो GST ऐप है, कोई आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना है। आज का ही दोस्तों मैच ले ले तो स्पोर्ट्स बाजी आपको क्या बेनिफिट देता है मैं दिखाता हूं दोस्तों। ये जो आपको स्पोर्ट्स बाजी का ग्रैंड लीग दिख रहा है ना सिर्फ आप 19 रुपया में ज्वाइन कर सकते हो और उसपे भी दोस्तों 10% बोनस का यूज होता है। और ये जो ग्रैंड लीग है दोस्तों कॉम्पिटिशन लेवल देखिए बहुत ज्यादा कम है और कन्फर्म कॉन्टेस्ट है और आराम से दोस्तों आप GL विन कर सकते हो सिर्फ 19 रुपया में, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथ ही साथ और भी आप एक्स्ट्रा वे में अर्निंग करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स बाजी पे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा स्टैट्स प्रो भी प्ले कर सकते हैं। स्टैट्स प्रो में दोस्तों आपके साथ बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा स्टैट्स प्रो, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, जो भी क्वेश्चन आपको बेस्ट लगे वो आप प्ले कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों क्या ये मैच गुजरात वुमेन की टीम विन करेगी मुंबई के अगेंस्ट, मैंने आपको क्या प्रेडिक्शन दिया है मुंबई विन करेगी, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे फॉल्स पे करेंगे क्लिक। और इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे अपना जो भी बजट होगा उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप अपना प्राइस सेट कर सकते हैं और प्ले कर सकते हैं, इससे भी आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। तो जिन भाइयों ने अभी तक स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है इस ऐप का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, चाहिए और जाके दोस्तों डाउनलोड कीजिए। और जब आप लॉग इन करते हो तो रेफर कोड शर्मा जी जरूर यूज कीजिएगा SHARMAG, ठीक ना, जिससे दोस्तों जो मैंने आपको ऑफर बताया वो ऑफर में दोस्तों आप इजीली पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, ठीक ना। और डिपॉजिट ऑफर भी चल रहा है उसको भी दोस्तों आपको मिस नहीं करना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं सबसे पहले दोस्तों मुंबई वुमेन का क्या प्लेइंग 11 रहने वाला है इस मैच में। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों मुंबई की टीम कोई चेंजेस करने वाली है प्लेइंग 11 में। ओपन बैटिंग आपको मैथ्यू करते हुए दिखेगी, उसके बाद दोस्तों यास्का भाटिया आएगी, फिर दोस्तों आपको नेट सिबर ब्रंट आएगी, इसके बाद दोस्तों एक और आएगी डेट मीन्स हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर के बाद दोस्तों आपको दिखेगी एक कैरी पूजा वास्त्रेकर जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेती है, फिर उसके बाद दोस्तों एक और मुझे नहीं लगता है इनका बैटिंग का चांस आने वाला है। लास्ट मैच की दोस्तों बहुत बड़ी बेस्ट प्लेयर ए संजना जो एक बॉल खेली और 6 मार के मुंबई को विन करवा दी, सोफिया इसक मुझे नहीं लगता है दोस्तों बैटिंग आने वाला है, बट आपको 4 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके देगी, इस्माइल आपको 4 ओवर का कंप्लीट बॉलिंग करके देगी और दोस्तों एस कटिराना बॉलिंग का उम्मीद नहीं है, एज अ फील्डर दोस्तों आपको खेलते हुए दिखेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम का कौन से बॉलर डेथ में बॉलिंग करेंगे और पावर प्ले में, तो समझिए दोस्तों इस चीज को। देखिए पावर प्ले में 2 ओवर दोस्तों आप कंफर्म रखिए किससे, तो दोस्तों इस्माइल से ही आपको ये 2 ओवर कंफर्म बॉलिंग करेगी पावर प्ले में और 2 ओवर दोस्तों आपको डेथ में बॉलिंग करेगी, ठीक ना। जो नेक्स्ट 2 ओवर पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए आपको दिखेगी वो है दोस्तों नाइट सिबर ब्रंट, ये आपको 2 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर दोस्तों आपको मिडिल फेज में और 1 ओवर दोस्तों आपको ये डेथ में बॉलिंग करेगी। इस मैच में मैथ्यू से दोस्तों आप कंप्लीट 4 ओवर का उम्मीद कर सकते हो, फर्स्ट मैच इनका ओवर कटा था लेकिन अब जो विकेट है वो स्लो हो चुका है जिससे मैथ्यू का दोस्तों इस मैच में जो रोल है ना बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। फिर 4 ओवर का दोस्तों आप उम्मीद कर सकते हो एक ईयर,
ये भी दोस्तों दोस्तों ध्यान रखिएगा, दो ओवर अपना डेथ में दोस्तों बॉलिंग करती है, लास्ट मैच में दो विकेट ली भी थी, वो भी दोस्तों लास्ट स्टेज में ली थी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है इस मैच में, ठीक ना। और दोस्तों जो बचा हुआ सिक्स बॉलिंग ऑप्शन में पूजा वास्त्रेकर आपको बॉलिंग करेगी, और मेरे को दोस्तों लग रहा है सोफिया इसक इस मैच की सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड प्लेयर बन सकती है। लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन इस मैच में दोस्तों बेस्ट करके ये प्लेयर जा सकती है। ग्रेनलिंग में आप चाहो तो एज अ बीसी भी ट्राई कर सकते हो। बहुत बड़ा मैंने रिस्क बताया है, टीम में जरूर रखना है, लेकिन जीएल में आप चाहते हो रिस्क लेना तो इस प्लेयर पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके ना। अब बढ़ते हैं दोस्तों और इस टीम के सभी प्लेयर का स्टैट्स देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखेगी याचिका भाटिया, जो लास्ट मैच में बेहतरीन बैटिंग की है भाई। लास्ट मैच में दोस्तों 57 रन स्कोर करके आ रही है और बहुत अच्छी दिखी थी, टच में दिख रही थी। इस वेन्यू पे दोस्तों बात करें तो एक मैच खेली है 57 रन स्कोर, हेड टू हेड में दो मैच खेली है 45 रन का स्कोर, बढ़िया रिकॉर्ड है। लेके दोस्तों हम लोग चलेंगे क्योंकि ओपन बैटिंग करी है। हेली मैथ्यू लास्ट मैच टोटली फ्लॉप रही है, बट दोस्तों ड्रॉप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी इस मैच में आपके लिए। रिकॉर्ड हम लोग देख लेते हैं इनका, तो हेड टू हेड में दो मैच खेलिए 47 रन और 3 विकेट, दैट मीन्स गुजरात के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ड्रॉप हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेके चलेंगे, ठीक ना दोस्तों। बढ़े आगे और दोस्तों मुंबई के हम लोग मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देख लेते हैं। एक आपको दोस्तों मिलेगी नाइट सीवन, इनका परफॉर्मेंस देखें तो हेड टू हेड देख ले। सबसे पहले तो दो मैच खेलिए गुजरात टीम के अगेंस्ट, जहां पे 59 रन स्कोर की और 6 विकेट ले चुकी है, 6 विकेट दोस्तों दो मैच में, समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लास्ट मैच भी अच्छा रहा था, 16 रन स्कोर की थी और बॉलिंग से भी आपको दो विकेट प्रोवाइड की थी, मस्ट पिक रहेगी। हरमनप्रीत कौर दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर, देखो फर्स्ट मैच में दोस्तों हुआ क्या ना, हरमनप्रीत कौर का दोस्तों बैटिंग आ गया, उसका रीजन क्या था, हेली मैथ्यू स्टार्टिंग में आउट हो गई थी। लेकिन इस चीज का आपको समझना पड़ेगा कि यदि इस मैच में भी मुंबई की टीम बैटिंग सेकेंड करती है तो आप रिस्क ले सकते हो हरमनप्रीत कौर पे, ठीक ना। कि सभी मैच में ऐसा नहीं कि इनका बैटिंग आ ही जाएगा, इस छोटा छोटा टेक्निक आप समझिए। यदि आप मैथ्यू को कैप्टन कर रहे हो तो फिर आप इनको ड्रॉप करना, मैथ्यू को बस टीम में ले रहे हो तो फिर इनको आप ले सकते हो, ओके ना। हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड देख ले तो गुजरात के अगेंस्ट दोस्तों इन्होंने दो मैच खेला है और उस दो मैच में 116 रन का स्कोर है, रिकॉर्ड आपको इनका बेस्ट मिलेगा। सभी टीम के अगेंस्ट दोस्तों हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड आपको बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट मैच में 55 स्कोर भी की थी और दोस्तों मैन ऑफ द मैच भी बनी थी अपने आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए। नेक्स्ट आपको दोस्तों मुंबई की तरफ से दिखेगी ए कैरी, जो दोस्तों इस टीम की एक बहुत अच्छी दोस्तों विकेट टेकर लेग स्पिनर बॉलर है। इनका परफॉर्मेंस देखें तो फर्स्ट मैच में बैटिंग से 24 रन और दोस्तों आपको बॉलिंग से दो विकेट प्रोवाइड की थी। वहीं पे दोस्तों इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो दो मैच खेलिए गुजरात टीम के अगेंस्ट, जहां पे बैटिंग से 64 रन और बॉलिंग से दोस्तों आपको 4 विकेट प्रोवाइड की थी। आप इनका स्टैट्स देख सकते हैं, वेन्यू स्टैट्स जो फर्स्ट मैच था वही है और लास्ट ईयर का भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। फिर आपको दोस्तों दिखेगी पूजा वास्त्रेकर, वो लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं गया था और हेड टू हेड भी देखोगे दोस्तों तो उतना खास नहीं है, एक मैच के लिए विकेट दोस्तों मिला नहीं है, आप ड्रॉप करके दोस्तों इनको चल सकते हो, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको अरमनजीत कौर का ऑप्शन मिलेगा, इनको भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लेना। ऐसे परफॉर्मेंस देखे तो हेड टू हेड में एक मैच और दोस्तों कुछ खास की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग की है, तो ड्रॉप करके दोस्तों आप चल सकते हो कौर को। फिर आपको मिलेगी दोस्तों संजना, जो दोस्तों लास्ट मैच की बोले तो बेस्ट प्लेयर बनी थी, एक बॉल खेली 6 रन स्कोर करके गई। देखो दोस्तों लास्ट मैच में मैं कमेंटेटर जितने भी थे मैं उनसे सुन रहा था इस प्लेयर के बारे में, ये जो प्लेयर है ना डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत अच्छा बैटिंग करती है, हार्ड हिटिंग के लिए दोस्तों जानी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यार बैटिंग पोजिशन इतना नीचे है ना कि आप इनको टीम में रख नहीं सकते हो। लेकिन मेरे को दोस्तों एक चीज मैं बताना चाहूंगा, आने वाले मैचों में ना ये प्लेयर दोस्तों ध्यान रखना आपको बॉलिंग करते हुए भी दिख जाएगी, डोमेस्टिक लेवल पे इन्होंने काफी अच्छा बॉलिंग भी किया और विकेट भी काफी चटकाई है, तो ये चीज आपको इन पे ध्यान रखना है आने वाले मैचों में। मुझे नहीं लगता इस मैच में बॉलिंग का चांस मिलेगा, लेकिन आने वाले मैच में आप इनको ट्राई कर सकते हो। इस मैच में मैं नहीं कर पाऊंगा, रीजन बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे है, बॉलिंग का चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आपको मिलेगी ए शेषक, ड्रॉप मत करना, लास्ट मैच में आई नो विकेट नहीं मिला था लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिए, दो मैच में दोस्तों 4 विकेट ले चुकी है गुजरात टीम के अगेंस्ट, ठीक ना, लेके चलिएगा। फिर आपको दोस्तों एस इस्माइल दिखेगी, एस इस्माइल का आप लास्ट 5 मैचों का परफॉर्मेंस देखोगे तो दोस्तों एक मैच आप हटाओ तो सभी मैच में विकेट ली हुई है। वहीं दोस्तों हेड टू हेड तो नहीं मिलेगा लेकिन
जो फर्स्ट मैच खेल के आ रही है वहां पर भी दोस्तों बहुत अच्छा इन्होंने बॉलिंग किया था, 4 ओवर बॉलिंग और 1 विकेट प्रोवाइड की थी। मस्ट पिक रहेगी, लेके हम लोग चलेंगे इनको, ठीक ना। फिर आगे दोस्तों मुंबई के अंदर फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको दोस्तों, वो है एस कटिराना। देखो आने वाले मैचों में हो सकता है एस कटिराना बॉलिंग करे, लेकिन इस मैच में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि टीम में लेके चलना, क्योंकि अब जो ये विकेट है ना स्लो हो चुका है, स्पिनर को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर, तो इसलिए मैं अभी इनको नहीं लूंगा, ठीक ना। और एक और मैं आपको 12 प्लेयर भी शेयर कर दे रहा हूँ, यदि बाई चांस यदि ये खेल जाती है, जिनका खेलने का चांस कम है, तो आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं। रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस सुपर है, हेड टू हेड भी दोस्तों खेल चुकी है, 1 मैच खेली थी जहां पे इन्होंने सिर्फ 2 रन का स्कोर किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं नेक्स्ट टीम का क्या प्लेइंग 11 रहने वाला है। तो गुजरात की टीम दोस्तों अपना फर्स्ट मैच खेलेगी इस टूर्नामेंट में, और दोस्तों इनके जो ओपनर रहने वाले वह दोस्तों बेथ मोनी, जो इस टीम के दोस्तों कैप्टन भी है। इनके साथ दोस्तों एल उर्ब्रेट, जो दोस्तों साउथ अफ्रीका की सबसे बेस्ट ओपनर बैट्समैन है, आपको दोस्तों एस बॉल मिलेगी। फिर इसके बाद दोस्तों दुनिया की सबसे बेस्ट ऑलराउंडर प्लेयर एलेक्स गार्डनर, जिनको आप इस मैच में कैप्टन भी सी भी कर सकते हो। फिर आपको के बॉयंस मिलेगी, जो आपको लेग स्पिन बॉलिंग कर लेती है। पी लिचफील्ड एज अ फिनिशर दोस्तों इनको टीम चाहे तो खिला सकती है, क्योंकि इन्होंने ना रिसेंट मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर दोस्तों आपको डी हेमलता मिलेगी, फिर आपको एम कश्यप, एस राणा, एम सिंह और दोस्तों ए शिखर। अब देखो दोस्तों इस टीम के मैं बॉलर बताता हूं जो डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो देखो दोस्तों डेथ में आप कंफर्म रखो एलेक्स गार्डनर, जो आपको 2 ओवर हो सके पावर प्ले और 2 ओवर दोस्तों डेथ में बॉलिंग करेगी और कंप्लीट 4 ओवर बॉलिंग करेगी। फिर दोस्तों के वायंस भी इस मैच में आप इनसे 2 से 3 ओवर का उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि स्पिन को हेल्प है और दोस्तों ये बढ़िया स्पिन बॉलिंग करा लेती है, ठीक ना। और इनके बॉलर देखे तो जो इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे दोस्तों एस राणा, लास्ट ईयर बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस किया था और आपको कंप्लीट 4 ओवर बॉलिंग करेगी, जिसमें दोस्तों 2 ओवर पावर प्ले और दोस्तों 2 ओवर डेथ में बॉलिंग करेगी। इनके साथ दोस्तों एम सिंह आपको पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिख सकती है 2 ओवर का, डेथ में दोस्तों ये बॉलिंग काफी कम करती है, ठीक ना। तो ओवरऑल दोस्तों इस टीम का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है सच बताऊं बहुत ज्यादा वीक है, सिर्फ आपको 2 ही अच्छे प्लेयर मिलेंगे एलेक्स गार्डनर और एस राणा, जिन पे आप भरोसा कर सकते हो कि बेस्ट करके जाए। बैटिंग डिपार्टमेंट में बेथ मोनी, एल उर्ब्रेट एक बेस्ट ऑप्शन है, दोनों को आप लेके जरूर चलिएगा, ठीक ना। ट्रम्प कार्ड प्लेयर बी बायंस, जिनको दोस्तों लोग कोई देख नहीं रहा है, बट ये एक ऐसी प्लेयर है जो दोस्तों बहुत बड़ी गेम चेंजर बन सकती है, बैटिंग बॉलिंग ये भी दोनों कर लेती है, ठीक ना। जो भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो वुमेन प्रीमियर लीग होता है जो कवर करते हैं, उनको इस प्लेयर के बारे में पता होगा, हम लोग करते हैं तो हम लोग को पता है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको डी हेमलता मिलेगी, एम कश्यप, एस राणा, एम सिंह और दोस्तों एस शकील मिलेगी। अब देखो दोस्तों इस टीम का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना बहुत ज्यादा कमजोर है, इनका दोस्तों जो पूरा बॉलिंग चलेगा वो दोस्तों सिर्फ 2 बॉलर पे ही डिपेंड करता है, एस राणा और दोस्तों एलेक्स गार्डनर, यही दोस्तों इस टीम के 2 सबसे बेस्ट बॉलर है जिन पे आप भरोसा कर सकते हो। ट्रम्प कार्ड प्लेयर दोस्तों इस टीम के तरफ से ध्यान रखना, ये जो के बायंस आपको दिख रही है ना, हाई चांस है खेलने का, और ये यदि ये खेलती है तो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेती है और सिलेक्शन परसेंटेज इस प्लेयर का बहुत ज्यादा कम है, तो इस टीम के तरफ से यदि कोई लेस सिलेक्शन वाला प्लेयर का बात करें तो यही है जो बेस्ट करके जा सकती है, ओके ना। चलिए अब सभी प्लेयर का हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं जिससे और आपको क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले आएगी दोस्तों बेथ मोनी, लास्ट ईयर बहुत कम मैच खेल पाई थी, सिर्फ 1 मैच खेली थी, उसका क्या रीजन था, फर्स्ट मैच में ही दोस्तों चोटिल हो गई थी। उम्मीद करते हैं ये टूर्नामेंट इनका बेस्ट जाए। प्लेयर बहुत अच्छी है दोस्तों, दुनिया की नंबर 1 बैट्समैन है, आप इनका रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस देखोगे हमेशा बेस्ट मिलेगा। लास्ट 5 मैच में दोस्तों आप देखोगे तो इसमें दोस्तों टोटल 3 मैच में तो 50+ स्कोर रहा है, 1 मैच में 20+ रहा है, तो बेस्ट बैट्समैन है, कैप्टन भी आप इनको कर सकते हो। फिर आपको मिलेगी दोस्तों एल उर्ब्रेट, ये दोस्तों साउथ अफ्रीका की सबसे बेस्ट ओपनर बैट्समैन में से एक है, आप इनका रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 15-58, 16-0, 49, ठीक ना। लास्ट ईयर 4 मैच खेली थी और 143 रन स्कोर करके गई थी, लास्ट ईयर इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, मैं रिकमेंड करूंगा आप दोनों को लेके चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं इस टीम के दोस्तों मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, तो आपको सबसे पहले दिखेगी एच देओल। एच देओल का दोस्तों लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देखे तो 8 मैच में 202 रन और 28 का एवरेज,
लास्ट ईयर दोस्तों एस धोनी ने सच बताऊं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। ऐसे मुंबई के अगेंस्ट उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, दो मैच में सिर्फ और सिर्फ 22 रन स्कोर की थी, ठीक ना। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है, बट लास्ट ईयर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। फिर आपको दिखेगी दोस्तों एलेक्स गार्डनर, जिनको आपको सभी टीम में लेके भी चलना और कैप्टन बीसी भी आप कर सकते हो। रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस देखिए एकदम टॉप क्लास है। हेड टू हेड में दो मैच के लिए मुंबई का अगेंस्ट बैटिंग से दोनों मैच में फ्लॉप गई है, बट बॉलिंग से दोस्तों दो मैच में 4 विकेट ली हुई है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और एलेक्स गार्डनर का दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप बताऊंगा जो दोस्तों मुंबई इंडियन के बैटर्स के अगेंस्ट है, जो और आपको हेल्प करेगा। लास्ट ईयर आप देखोगे 8 मैच में 204 रन, जो दोस्तों काफी सॉलिड होता है बैटिंग से, 204 रन 8 मैच में। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप चाहो तो हरलीन डॉन को ड्रॉप करना, बट गार्डनर को मत कीजिएगा, ओके ना दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों इस टीम के फिनिशर बैट्समैन सब देख लेते हैं। के बावेंस सिलेक्शन काफी कम है, बट आप इनका रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस देखो, 48 एक विकेट 0 विकेट, 53 0 विकेट, 11 रन 51 3 विकेट। कैसे आप इस प्लेयर को ड्रॉप करोगे, सिलेक्शन बहुत कम मिलेगा। हाँ मुझे पता है हेड टू हेड रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड ये सब नहीं है, लास्ट ईयर नहीं खेली थी, बट इस साल ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था और इसी वजह से गुजरात की टीम इनको चूज भी की है। लेके दोस्तों हम लोग चलेंगे। फिर आपको दोस्तों दिखेंगे लिंचफील्ड, ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की फिनिशर बैट्समैन है, बैटिंग नीचे करती है, इसलिए मैं आपको स्मॉल लीग में इनको नहीं बोलूंगा लेने के लिए, ट्राई भी करना हो जीएल में करना, अदरवाइज ड्रॉप आप कर सकते हो, ओके ना। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिल जाएंगे बॉलर इस टीम के देख ले तो हेमलता, जो बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेती है। हेड टू हेड में दो मैच खेली है मुंबई के अगेंस्ट, जहां पे 35 रन स्कोर है, लास्ट ईयर 8 मैच में 151 रन स्कोर की थी बैटिंग से। फिर आपको दोस्तों दिखेगी इस टीम की एक इंपॉर्टेंट डेथ बॉलर दोस्तों एस राणा। एस राणा का दोस्तों परफॉर्मेंस देखे तो रिसेंट जो लास्ट ये दोस्तों 4 मैच खेली है ना, किसी भी मैच में दोस्तों ये विकेट लेस नहीं गई है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये दोस्तों डेथ में बॉलिंग करती है, ठीक ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हेड टू हेड में भी दोस्तों मुंबई के अगेंस्ट सिर्फ 2 मैच में 4 विकेट ले चुकी है, लास्ट ईयर 7 मैच में टोटल 6 विकेट था, और इस 6 विकेट में दोस्तों आप देखोगे मुंबई के अगेंस्ट ही 4 विकेट है, तो मुंबई के अगेंस्ट इस प्लेयर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, ठीक ना, तो इसको आप ध्यान में रख के चलिएगा। आइए नेक्स्ट प्लेयर आपको कैसे मिलेगी, मैं आपको स्मॉलिंग में रिकमेंड नहीं करूंगा, बट जीएल में एक गेम चेंजर पिक बन सकती है। जैसे दोस्तों जो आरसीबी वाला मैच था उसमें आप देखोगे आरसीबी के एक प्लेयर गेम चेंजर बन गए और 5 विकेट लेके गए, इसी तरह दोस्तों आपको एक प्लेयर मिलेगी गुजरात के पास से, इन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। आप इनका लास्ट 5 मैचों का परफॉर्मेंस देखिए, किसी भी मैच में दोस्तों ये विकेट लेस नहीं गई है और दोस्तों एक लेग स्पिनर बॉलर है, तो ये ट्रम्प कार्ड का काम कर सकती है आपके लिए। मेगा सिंह दोस्तों देखो उतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है रिसेंट मैचों में, आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, ओके ना, ध्यान आपको इन पे रखना है और खेलने का भी इनका हाई चांस है, नीचे वाले प्लेयर को आप ड्रॉप कर देना। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस टीम के 11 प्लेयर आपको मिलेंगे सके, जो आपको हो सके 2 ओवर पावर प्ले और 2 ओवर डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। इनका लास्ट 4 मैचों का परफॉर्मेंस देखिएगा तो एक मैच यदि आप हटाइएगा, अदर सभी मैच में इन्होंने विकेट लिया है, लेकिन क्योंकि दोस्तों ये फास्ट बॉलर है तो आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि सामने दोस्तों देखो ना मुंबई की टीम है। 12 प्लेयर में दोस्तों मैंने टी कनुजा को रखा है, यदि ये प्लेयर बाई चांस खेल जाए तो रिकॉर्ड दोस्तों आप इनका देख सकते हो, हेड टू हेड में 2 मैच में 2 विकेट है, लास्ट ईयर इन्होंने मुंबई के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया था और 8 मैच में 5 विकेट ये ओवरऑल ली थी लास्ट ईयर। ये हो गया दोस्तों इस टीम का सभी प्लेयर का रिकॉर्ड। अब बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते हैं इस मैच में हम लोग का क्या कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से बी मोनी मैंने रखा है, वाई बाटिया रखा है, बैटिंग सेक्शन से हरमनप्रीत कौर और एलवुड ब्रेड को मैंने रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन से मैथ्यू नाइट सीवर ब्रंट और ए कियर को मैंने रखा है, गार्डनर मेरी बीसी है दोस्तों, और एस राणा। एस राणा दोस्तों ध्यान रखना बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनका मुंबई के अगेंस्ट लेके चलिएगा। बॉलिंग सेक्शन से मैंने दोस्तों एस इस्माइल और दोस्तों एस इशक को रखा है, कैप्टन मैंने मैथ्यू को किया है, कैप्टन आप दोस्तों चाहो तो नाइट सीवर ब्रंट को भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी के लिए आप लोग सेम इस टीम का जाइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो स्मॉल लीग मिनी जीएल सेम टीम के साथ दोस्तों आप जा सकते हैं। कोई यदि इस टीम से प्लेयर नहीं खेलता है या कोई चेंज भी करना होगा तो मैं आपको फिर से फाइनल टीम टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा।
जाइए दोस्तों और टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और यदि अभी तक आपने दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक ना दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सभी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपको ये वीडियो कहीं कुछ हेल्प करे, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड जरूर किया हो जो आपको एक बेस्ट दोस्तों एक बेस्ट 11 प्लेयर को चूज करने में, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको दोस्तों कुछ हेल्प मिला हो जो आपको एक बेस्ट 11 प्लेयर का टीम बनाने में हेल्प जरूर करेगा। और वीडियो पसंद है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।